गाइस नितिन भाई का एक्सीडेंट हो गया था, आप सभी बंदों को पता लग ही गया होगा क्योंकि गाइस काफी दिन हो गए इस बात को। और गाइस आज हमारे दैया भाई ने नितिन भाई को कॉल करके पूछा है कि भाई हमारे नितिन भाई कब से अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो डालेंगे और कब से वो ठीक हो जाएंगे, मतलब कब उनकी हालत सही हो जाएगी, क्योंकि कई सारे बंदों का कमेंट आ रहा था कि मेरे भाई हमारे नितिन भाई अपने चैनल पर कब से रेगुलर वीडियोज डालना शुरू करेंगे। तो मेरे भाई वीडियो को पूरा एंड तक देखने रहना, हमारे नितिन भाई ने खुद बताया उनकी हालत कैसी है और वो कब से अपने चैनल पे वीडियोस डालना शुरू करेंगे। तो प्लीज़ भाई वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहना। लेकिन उससे पहले मेरे भाई सभी बंदों को थैंक यू, जिन जिन बंदों ने हमारे नितिन भाई और दैया भाई के लिए वो प्रे किया था कि हमारे नितिन भाई और दैया भाई जल्दी से ठीक हो जाएं। फाइनली गाइस उनकी विश पूरी हो चुकी है, हमारे नितिन भाई और दैया भाई ठीक हो चुके हैं। दैया भाई तो अपने चैनल पे आप वीडियो डालना शुरू कर दिया, लेकिन नितिन भाई की अभी थोड़ी ज़्यादा इंग्रेजी हुई थी, लेकिन इसी कारण वो अपने चैनल पे अभी वीडियोज नहीं डाल रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले आप ये छोटी सी वीडियो क्लिप देख लो, जिससे आपको पता लग जाए हमारे नितिन भाई कैसे हालत में और वो कब से वीडियोज डालना शुरू करेंगे। अरे हेलो नितिन भाई, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? भाई पहले से तो काफी ठीक हूँ, और तुम भी ठीक हो ना? हाँ नितिन भाई मैं तो ठीक हूँ। नितिन भाई ऑडियंस के कुछ क्वेश्चन थे कि आप अभी कैसे हो और अपने चैनल पे वीडियो डालना कब से स्टार्ट करोगे? भाई टेंशन मत लो, चोट लगी है तो रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और ठीक होते ही मैं अपने चैनल पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच गाइज, आप सभी ने मेरे लिए इतना। सो गाइज आपने नितिन भाई की कॉल वाली वीडियो देख ली, और उम्मीद करता हूँ जिस भी बंदे का जो क्वेश्चन होगा उनको उसका आंसर मिल गया होगा कि हमारे नितिन भाई कब से वीडियो डालना शुरू करेंगे। अभी कुछ टाइम और लगेगा, उसके बाद हमारे नितिन भाई बिल्कुल सही हो जाएंगे, क्योंकि गाइज हमारे नितिन भाई के चेहरे पे हल्की सी चोट आई है, जिस कारण वो भी उनको बोलने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है। तो गाइज कुछ टाइम और रुक जाओ, और प्लीज़ भाई जाते जाते इस वीडियो के कमेंट में जरूर से लव फ्रॉम नितिन भाई जरूर से लिख ही देना।